सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी और 1,00,000 की इनामी अनुज प्रताप सिंह को बीते दिन करीब 4 बजे उन्नाव पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने उन्नाव में एनकाउंटर कर दिया। इस लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव को भी यूपी एसटीएफ कुछ दिन पहले मार चुकी थी। अब इन दोनों एनकाउंटर्स पर खूब राजनीति की जा रही है। इतना ही नहीं, 20 सितंबर को हाफ एनकाउंटर में अजय यादव गिरफ्तार हुआ था और उसके पैर में गोली लगी थी। भरत जी ज्वेलर्स के यहाँ 1,40,00,000 रुपए की डकैती कांड मामले में अनुज प्रताप सिंह फरार चल रहा था। सराफा व्यवसायी के यहाँ घुसकर लूट करने वाले 5 बदमाशों में अनुज प्रताप सिंह भी शामिल था और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। एनकाउंटर के बाद अनुज सिंह के पिता अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार भी किया है। अनुज के पिता ने कहा कि चलो अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। वहीं अब अनुज प्रताप सिंह की बहन ने अपने भाई के एनकाउंटर पर सपा चीफ अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अनुज की बहन ने कहा कि उसका भाई राजनीति का शिकार हुआ है, ठाकुरों को मरवाकर अखिलेश यादव के कलेजे को ठंडक मिली है। इसी के साथ अनुज की बहन ने एनकाउंटर के उच्च स्तरीय जांच की मांग करके साथ ही साथ एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर डाली है। अनुज की बहन ने ये कहा है कि उसके भाई के खिलाफ सिर्फ 1 केस था, तब भी उसका एनकाउंटर कर दिया गया। दरअसल मंगेश यादव का जब एनकाउंटर हुआ तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला था। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि मंगेश यादव का एनकाउंटर जाति देखकर किया गया है। साथ ही राहुल गांधी ने भी सरकार के साथ प्रशासन के कार्यों को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अनुज प्रताप का एनकाउंटर हो जाने के बाद अनुज के पिता ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। दरअसल सुल्तानपुर के ज्वेलर्स शोरूम में दिन दहाड़े डकैती के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस घटना में अब तक पुलिस ने कई एनकाउंटर कर चुके हैं, जिसमें अनुज के अलावा एक अन्य आरोपी मंगेश यादव का भी एनकाउंटर हो चुका है।